तो हाँ अभी अभी अपन उतरे ना, ये है सुसाइड पॉइंट एक, ये देखो सरकार ने ब्लॉक कर दिया। अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है सीधे सीधे पचमढ़ी की। ये रोड गया अपना सीधा पचमढ़ी, यहाँ पे गाय बैल खड़ी हुई है और यहाँ से है छिंदवाड़ा रोड और यहाँ से अपन आए हैं अभी पिपरिया से। यहाँ से आओगे पचमढ़ी, ये वाला रोड सीधे आएगा, यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर है और ये छिंदवाड़ा निकल जाएगा राइट हैंड पे, तो मिलेंगे अंदर। यहाँ से अनहोनी और कौन सी होनी पचमढ़ी में 3-4 जगह वहां पर घूमेंगे आज दिन भर। ये तो अभी स्टार्ट हुई है, बारिश के टाइम में तो और कर्रा भी आता होगा यहाँ पे, यहाँ से पानी देते होंगे गड्ढों में पूरे में। वाहन खड़ा ना करें और यहीं पे वाहन खड़ा कर लिए लोगों ने। भाई ब्लॉक होने वाला काफी लंबा, इसलिए ब्लॉक लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरा शूट करूंगा कम से कम 1 या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, इसलिए 10-10 मिनट या 12-12 मतलब में 3-4 ब्लॉक आने सबके नीचे डाल देंगे आराम से। देखो नहीं चलता सिंगल रोड ही है ये वाला पूरा बड़ी नदी। भाई कल हम लोग आ रहे हैं मोर देखने को मिल रही थी बहुत सारी जंगल के बाहर, मोर मोर नहीं इतने सारे खड़े थे बंदर उससे नोटिस बोर्ड लगूंगा भाई बहुत ही शानदार तरीके से। टाइगर हो सकता है जंगल तो बोल गई थी बिल्कुल ऐसे रूट था भाई पूरा नागरी इधर वहां पे भी हमारे भोपाल वाला सेव रोड वाला जो था नदी 20 किलोमीटर। तो हाँ अभी अभी अपन उतरे ना, ये है सुसाइड पॉइंट एक, ये देखो सरकार ने ब्लॉक कर दिया इसे और यहाँ का भी कर रहा है। ये हमारे एक राम भाई के साथ भाई नीचे का बैक कैमरा भी दिखाऊंगा भाई इसको, तो मैं निकाल लूँ पहले खाई। देखो यहाँ से यहाँ पे आवाज़ गूंज के वापस आती है और कोहरा अभी भी है भाई उतना नहीं है मगर है हल्का हल्का पहाड़ी नदी। भाई यहाँ पे सुसाइड पॉइंट था बंद करके रखे हुए इन लोगों ने। ओ भाई हमारे बता रहे थे यहाँ से कोई गिर के मर गया था एक, उसकी लाश ही 3 दिन में मिली थी मगर मिली कैसे होगी, नीचे गया कौन वाले ने अच्छा अच्छा आरपीएफ वाले। भाई मुझे तो कोने पे जाने में रेलिंग के पास भी जाने में डर लगता है, लोग साले यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं 70 रुपये खड़े हो के। पचमढ़ी का एक सुसाइड पॉइंट
यहाँ पे आवाज़ गूंज के वापस आती चिल्लाने पे। किसका नाम चिल्लाऊं भाई? कौन सी वाली का नाम चिल्लाऊं, मुझे बोलूँ नहीं तो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको खुल के एंजॉय करो। हिमालयन लेकर आओगे, हिमालय पे आओगे तो हमारी 100 cc हम लोग यहाँ पे हम लोग नागिन बना रहे हैं वो। जरूरी नहीं कि 500 cc या 1000 cc की बाइक हो मजे लेने के लिए। सही बात है ना इकराम भाई? भाई को डिस्टर्ब नहीं करने का। भाई अभी बहुत अंधे मोड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं, किसी मोड़ है यहाँ पे। सेफ ड्राइव करो मगर। देखो भाई साहब इतने पास से निकल रहे हैं हमारे, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं टाइट मारने की। और यहाँ से हमें एक परमिट प्रोवाइड हुआ गाइस, जो जंगल में घूमने के लिए मिलता है। 1100 रुपये का ये परमिट बना था हमारी बाइक का, और उन्होंने उसके साथ साथ हमें ये अंकल को भी साथ में दिया, फॉरेस्ट गार्ड थे जो, जिनने हमें सब जगह घुमाएंगे जो। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट हो गई, हमारे गाइड साहब साथ में अपनी बाइक से और हम लोग अपनी बाइकों से। गाइड साहब अपनी बाइक से हमें 6 घंटे के अंदर घुमाएंगे पूरा पचमढ़ी। हाँ भाई, हाँ घूम गए हो गए? नहीं, इन लोगों ने इशू कर दिया कि मतलब गाइड रहेगा ही रहेगा आपके साथ बाइक पे, बिना गाइड की नहीं जा सकते आप। हमारी बाइक का चालान जो कटा है, और उनके साथ उनका एक गार्ड मिला जो हमें 6 घंटे तकरीबन देगा, 5 बजे से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। धूपगढ़ जिसमें इनेबल नहीं है, धूपगढ़ के लिए आपको अलग से एक रसीद कटवानी पड़ेगी, और बाकी सब धूपगढ़ के वो बाइक नहीं जा पाती शायद, हो सकता है कि वो पहाड़ी पे है, तो वहाँ पे सिर्फ हल्के वाहन ही जाएंगे, जो जिप्सी यहाँ पे चल रही है वही वाली, उसके अलावा कोई जिप्सी नहीं आएगी। और हमारे यहाँ पे देखो भाई साहब घुमाते हुए, और इनके साथ भी एक सर थे कि आप सिर्फ पैदल यहाँ पे पार्किंग होगी, वहाँ पे पार्किंग करके पैदल चलेंगे। अब सरा बिहार हो गया ये भाई, ये सहयोग का कब्रस्तान, पुरानी पिक्चर वाला भाई, सहयोग का कब्रस्तान बाबा आलम है हमारा, पुरानी पिक्चर वाला। भाई यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू हो गई,
सरा कोई सब व्यू पॉइंट है, वहाँ जा रहे हैं अभी। भाई यहाँ तो मेरा मतलब गाइड के आना बेकार है, लोग आएंगे नहीं यहाँ पे घूमने भाई। मगर जिस जगह हम लोग जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बिना गाइड के आना बेकार ही है, क्योंकि अपने कोई चीज़ें पता नहीं होती, तो गाइड करने ऐसे बहुत शानदार चीज़ है। गाइड कर लो, सेफली घूम लोगे आप। राज तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग होने वाली जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने 11 बजे यहाँ से चालान कटवाया, 11 बजे से 5 बजे तक का है यहाँ से बाहर निकलने का सारे व्यू पॉइंट से अप्सरा बिहार। भाई यहाँ से बहुत कर्रा व्यू लग रहा है, देखने को मिल सकता है। पैदल ही घूमना पड़ेगा भाई, ये हिल स्टेशन, गाड़ी यहीं पर लगाना पड़ेगी और जिप्सी यहाँ पर अंदर चली जाती लगता है। 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाना, 3 किलोमीटर अंदर से वापस आना, अप एंड डाउन। पैदल घूमने का मज़ा ही अलग आता है। बाकी मेन पे लगा दो, अप्सरा विहार आ चुके अपन। हमारे गाइड साहब आगे आगे जाते हुए डंडा लेके, धूप निकल गया यार यहाँ तक आते आते तो। मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रही है यहाँ पे तो, पहाड़ी में उतरते हुए। क्या हमारे एक राम भाई पीछे बाबा बन के आ रहे हैं और हमारे गाइड साहब आगे चल रहे हैं। यहीं पे अपन कैंप लगाएंगे, रात में मस्त इंजॉय करेंगे, ऐसा सोच रहे थे मगर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले भाई। ये देखो इतनी ऊंची पहाड़ी है भाई, इकड़ा भाई तेज तेज आया हो। और यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर अंदर पैदल पैदल ऐसे चलना है, अगर 1000 की रसीद कटवाते हो। अंकल उसमें गाड़ी में कितने लगते हैं और जिप्सी में? 3200 का, चाहे वो दो आदमी उसे चार, अच्छा उसे कम भी कर सकते हैं अपन जी, चार लोगों को देख लेते शेयरिंग में, हाँ हाँ घूम लेते आराम से। अच्छा अच्छा नहीं, जी आवाज भी सही है। और अभी तो शेयरिंग बहुत घूम रही थी वहाँ। हाँ शेयरिंग गाड़ी है, शेयरिंग में टूरिस्ट बहुत घूम रहा था। हाँ संडे तो शेयरिंग वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आपको शाम तक टूरिस्ट मिलता रहा? शाम तक मिलता ही मिलता। अच्छा गाइड भी उसमें उनके साथ अवेलेबल रहता है? हाँ उसी में अवेलेबल होता है। भाई ये पहाड़ी के नीचे उतरते हुए 3200 या 3500 रुपए है ना, मतलब उसके 3210 रुपए सही है। वैसे 6 लोगों के हिसाब से 500 रुपए एक आदमी का, उसी में उनका गाइड भी बना के चलते, गाइड भी जाएगा गाड़ी भी जाएगी, सब उन्हीं का हो जाता है। एक ना मैं वीडियो बनाना है एक नीचे उतरने वाला, क्यों जी 5 किलोमीटर तो अप एंड डाउन करना। अच्छा अंदर से आना जाना? हाँ वो मेजर पॉइंट है। अच्छा यहाँ मेजर पॉइंट 4 है। अच्छा जटाशंकर, महादेव, बीफाल और धूपगढ़ जी। बाकी के स्पॉट तो ऐसा है, हाँ आपकी बाइक ही चली जाएगी वहाँ। अच्छा बाइक ही चली जाती है, मतलब व्यू साइड है, मतलब ये गाड़ी खड़ी हो गई। हाँ हाँ साइड वाले हैं रोड पे, मतलब ऐसा है। अब जैसे यहाँ पे गाड़ी कैसे घुसेगी यहाँ पे है? नहीं जाने को तो चली जाती है जी, लोगों ने वैलेट नहीं करे। अच्छा इशू नहीं है वो गाड़ी टू व्हीलर का अंदर का? नहीं मतलब यहाँ पे नहीं आ पाते ना फिर फोर व्हीलर से घूमने के लिए, ऐसा जैसे आप अभी घुमा रहे हो उस तरफ से आएगा? अच्छा उस तरफ से आ जाएंगे। देखो ट्रैकिंग तो इसमें भी करनी है आपको? हाँ इसमें भी करनी है, इसमें कुछ ज्यादा मजा आता है मगर नहीं, मगर क्या होता है देखो यहाँ दो प्रकार का टूर जी, एक तो आता है परेशान होने, परेशान, दूसरा आता है साहब वो अपना एंजॉय करने, एंजॉय करने। तो अभी जैसे आपने कैंसिल कर दिया क्या धूपगढ़ जी, वो मेजर पॉइंट था। अच्छा अच्छा एमपी का हाईएस्ट था। अच्छा सेंट्रल इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन? अच्छा सबसे ऊंचा माउंटेन है। देखो अभी आपने यहाँ लॉस किया बोलो हाँ जी,
अब उसके बाद में कल आप फेयरिंग देखोगे ना एक पॉइंट के लिए जी, फेयरिंग मिलेगी नहीं? अच्छा नहीं मिलेगी एक पॉइंट की, क्योंकि फेयरिंग कोई करता नहीं, कोई नहीं करता। तो आज आपको ना फेयरिंग करके उड़ने वाले स्पॉट कर लेना। अच्छा, तो अभी आप पचमढ़ी फर्स्ट टाइम या सेकंड बार? मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। हाँ, तो क्या होता है एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये बात भी सही है, और आपका पैसा भी बच जाता। पैसा भी बच जाता तो परेशान नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर गाड़ी की टिकट भी होती है। रियल चीज तो ये है। एक्चुअली क्या होता है, देखो हर एक, मैं भी कहीं जाऊंगा ना जी, नया आदमी तो मुझे भी नहीं, मगर थोड़ा सा मेरे को समझने के लिए समय चाहिए। समझने के लिए समय चाहिए भाई। समझ में नहीं आ रहा है, आप उधर गाइड होते हैं, गाइड हो जाएंगे। बहुत अच्छा है पचमढ़ी में जी, कि आपकी पूरी व्यवस्था बना रखी है गवर्नमेंट। हाँ, ये अच्छा काम करके रखे। जरूरत नहीं है आपको गाड़ी, अब अगर हम अकेले आते गाड़ी का कार्ड के तो यहाँ पे थोड़ी ना घूमते। एसी जगह पे मेजर मेजर जी लेते ना। दूसरी चीज, इसी खर्चे को आप कम भी कर सकते जी। अभी जैसे गाइड उनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा ना जी, बिना गाइड की पर्ची कट जाएगी। अच्छा भाई, आप मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करो रोड। हाँ, से और अंदर चले जाओ, अंदर चले जाएंगे, चले आना भाई। पहले अंकल पर्ची कट जाती थी, आज भी कट जाएगी। आज भी कट जाती है, मगर उन लोगों ने जबरदस्ती कर दी, ऐसा लगता है कि लग बिना गाइड के आप जाएंगे नहीं गाड़ी लेके। नहीं, असल में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, इसमें गाइड होना अनिवार्य अनिवार्य है। यहाँ पे क्या है, जानवर भी होंगे। मौत हो चुकी है एक साल के अंदर। कितने? आठ साल, आठ लोगों की मौत हो गई। अपरे इतना डेंजर पॉइंट है। हम यहाँ पर आपको पानी भी मना करेंगे कि भाई पानी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अपन को यहाँ से फायदा ये होता है गाइडों का ट्रेकिंग से जी। दूसरी चीज, जैसे गाड़ी करनी थी जी, हाफ डे का चार्ज इनका कितना है? 1400 रुपए। अच्छा, 1400 रुपए पर्ची कटवाया आपने जी। आप इधर एक गाइड लेके आ जाते 480 का जी, वो सब कुछ पर्ची में वैलिड हो। अच्छा, सब कुछ पर्ची में वैलिड हो। गाइड नहीं लेना है जी, आप थोड़ी देर खड़े हो जाते। अच्छा, तो वहाँ जब आप थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं जी, तो आपको उनके पास गाड़ी गाइड उपलब्ध नहीं होते, वो बिना गाइड के पर्ची देते। अच्छा, बिना गाइड के पर्ची दे देते। इधर से घूम गाड़ी देख के वापस ब्रेक हो जाते। अभी आपका तो ठीक है, आप आए हो, अच्छी बात है जी, आप ट्रेकिंग में शौकीन जी, मगर जब फैमिली लाओगे, फैमिली के साथ नहीं आ सकते। सही बात है, फैमिली आने वाली थी हमारी भी, वो तो सुबह सुबह उठे नहीं वो लोग, नहीं तो हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते, ऐसे थोड़ी ना इतना पैदल चल पाते वो लोग। समस्या रहती तो ऐसे नॉलेज मिलता है आपको। सही बात है, ये नॉलेज के लिए तो अपन जगह जगह घूमने के लिए निकले। सही बात है ना अंकल जी, नॉलेज मिलना चाहिए लाइफ में, इसके अलावा रखा ही क्या है। सही बात है ना इकराम भाई, अभी तो अपन उतर रहे हैं जी, चढ़ के आएंगे तब थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत लगेगी, हिम्मत भी लगेगी और थकान भी होती है। अच्छा, यहाँ तक ये आ गए, यहाँ से अपन ने शॉर्टकट मार के आ गए थे, और यहाँ से ये जिप्सी आ गई थी। 3 महीना पड़ता है घूमने के लिए जी, एक दो दिन का यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, एक दो दिन में तो होती नहीं है। अगर जहाँ अपन ने पैसा दिया है पहले, अपन वो काम पूरा कर लिया। अरे वो तो कोई मतलब ही नहीं है। पचमढ़ी है 10 किलोमीटर की रेंज में आपके लोकल पूरी जी, है ना। बाकी सतपुड़ा रेंज का जो हिस्सा है ना, वो 2100 वर्ग किलोमीटर का है। 2100 वर्ग किलोमीटर। वो अमरकंटक से स्टार्ट हुआ, ताड़ोबा नेशनल पार्क एमपी की बॉर्डर पे जाकर ये खत्म होता है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जो एरिया है ना जी, वो अलग है। वो है आपका 1500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। 35 दशमलव किलोमीटर। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है अपन आसमान में आ गए। इतना बड़ा प्लेट हो, आप इतना जल्दी कैसे कवर कर, कैसे कर लेंगे कवर? अच्छा, यहाँ पे जैसे कैंप वगैरह लगाने के लिए परमिशन मिल जाती है? नहीं, जंगल में। अच्छा, ये तो पूरा डिफेंस एरिया है ना। अच्छा, यहाँ पे जानवर है। डिफेंस एरिया होने की वजह से यहाँ पर ना 8 ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, जिसमें से 2 आपके इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं जी, एक एशिया का आर्मी बैंड म्यूजिक सेंटर, आर्मी बैंड। हाँ, और दूसरा भारत स्काउट कैंप इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा, और 6 जो है वो नॉर्मल ही है। अच्छा, 6 नॉर्मल है। पचमढ़ी में सर किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं है। हाँ, ये सब लीज पे रहा, लीज पे है जितनी भी है। 2001 में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने लीज बढ़ाना बंद कर दिया जी, और 2020 में ही पचमढ़ी का जो प्लेटो था ये जीरो था। अच्छा, मगर पॉलिटिक्स के चक्कर में इनको 25 साल की लीज वैलिड हो गई। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, एक ही भारत के पास, एक ही भारत के पास एमपी में, एमपी में अपने, वो भी हमारे एमपी के अंदर है। हाँ,
ये गर्व की बात है, ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज है। वही तो, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई। हमारे पास में एक चीज तो है, अपने पास कुछ तो है, यहाँ पर हम घूम सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें, और ये पूरा सेफ है जी। अच्छा, यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड लगे थे अंकल जी, शेर वगैरह के, वो रियल में अंदर? वो नेशनल पार्क है। अच्छा, नेशनल पार्क ही है बड़ा। हाँ, वो कोर जोन अलग है। अच्छा, बफर जोन अलग है, तो आपको कोर जोन में जाना है या बफर जोन में जाना है? अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, दोनों में 8,000 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, पर्ची सहित, गाइड सहित, टोटल गाइड सहित, होटल वगैरह? उसमें होटल इंक्लूड नहीं होता, होटल अच्छा, आपको अलग से करनी है, अलग से करना पड़ती है। तो उसके लिए तो कम से कम 10-15 दिन का टाइम चाहिए, अच्छे से घूमो सुकून से, पूरा पचमढ़ी भी घूम लेंगे वहाँ पे भी। देखो, ऐसे तो भाई साहब आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी चीज़ का जी, तो पचमढ़ी लॉस टाइम करना है। हाँ, ये बात भी। अगर जैसे आपको अगर जाना ही है नेशनल पार्क, फिर मढ़ई नेशनल पार्क जाओ, वो मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत, मढ़ई सुहागपुर के पास है, सुहागपुर के पास है। भोपाल के लोग तो वहाँ आना जाना करते हैं। भैया, अंकल जी ने हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दे दिया भोपाल के अंदर ही, हमें ये चीज़ नहीं पता था। तीन दिन कम से कम? नहीं नहीं, ठीक है भाई साहब, मैं आपको जो बोरी, ढाई, चूना, मड़ई, कुकरा, पट्टन, छह तो यही होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें अपना खर्चा आता है 25,000 से 80,000 रुपये का घूमने के लिए। हाँ, एक दिन में 12,000 रुपये का पैकेज बनता है, एक दिन का, वन नाइट। वन नाइट मतलब नाइट डे दोनों का मिला, 24 घंटे का पैकेज। तो जितने दिन आप रुकोगे उतने दिन आपको पैसा, मतलब घूमने वालों के लिए एक दिन का ही समझ लो 12,000 रुपये। एक गाड़ी में 6 लोग वेलिड करते हैं वो लोग। अच्छा, अब उसमें एक्टिविटी में क्या है जी, आपको जिप्सी सफारी करनी है जी, या फिर एलिफेंट राइड करनी है, सब अवेलेबल है? अवेलेबल तो है, मगर वहाँ जाकर पता चलेगा। अच्छा, है कि नहीं है? हाँ, ये चीज़ रहती है, चल रही है या नहीं। जिप्सी ज़्यादा चलती हैं आजकल, लोग इतने से लोग चलना पसंद नहीं करेंगे, जिप्सी में बैठो निकल जाओ। और जितनी भी एक्टिविटी है ना जी, सब आपको बाद में पता चलती है, मई जाने के बाद। हाँ, वो तो कहीं पे भी, आप जैसे मैंने कभी यहाँ पर पचमढ़ी भी नहीं घूमा था भाई, पचमढ़ी आने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं है। मुझे तो व्यू पॉइंट ज़्यादातर नाम वही सुना, तो धूप किले का कहना है, धूपगढ़ धूपगढ़ का, वो किला ही है, किला के टाइप का ही है ना, किला बोलते ज़्यादातर लोगों से। धूपगढ़ मतलब होता है किला। हाँ हाँ, फोर्ट कहते हैं उसे। तो वो नीचे से उसकी जो आकृति बनी हुई है वो गढ़ के समान दिखाई देती है जी। और सेंट्रल इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, 4,429 फीट की ऊंचाई है उसके सी लेवल से। 4,429 फीट सी लेवल से, सी लेवल से 1,352 मीटर। 1,352 मीटर गाइस, देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हमारे एमपी के अंदर ही है। अच्छा, ये पानी आ जाता होगा बारिश में, पूरा रहता है, स्टाफ डैम बोलते हैं। अच्छा, ये सारे डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं कि ये इसलिए बनाता है जानवरों को पानी पीने के लिए। अच्छा, ये डैम की तरह बने हुए। हाँ, इसमें वो अमीबा भी है उसके अंदर जी, पहाड़ के जमीन आता होगा पानी। हाँ, ये लकड़ियों को पूरा ऐसे बना के रखा बंद करके ना, इसलिए। अरे भाई, अभी तो ठीक है, अभी हमें यहाँ से वापस भी बैक होना। अच्छा, अभी अपने वहाँ बैक भी होना है, 5 किलोमीटर वहाँ जाना है, बीफॉल, बीफॉल जाना अंदर 5 किलोमीटर। हाँ, इतना नहीं चल पाता, 2 घंटे लग जाएंगे। फिर उसके बाद बीजगढ़ के लिए हमारे अभी तो पहले नीचे चढ़ेंगे अपन विफॉल में। हाँ, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ने में हालत खस्ता हो जाती, 800 स्टेप से वहाँ जहाँ से गाड़ी छोड़ती गाड़ी छोड़ती उसके बाद भाई ले आना था बिट्टो अपनी को, दुबली पतली हो जाती कम से कम, लेडीजों के साथ नहीं आ पाते भैया, लगाने के बाद जैसे गए थे वैसे हो जाते गर्मियों में। तो है ना, 4 बजे क्या होता है रीजगढ़ गेट की एंट्री खत्म हो जाती। अच्छा,
मतलब रात में यहाँ पे रुकने का कोई साधन ही नहीं रहता। 5 बजे के बाद में आप जंगल के अंदर पकड़ाओगे 10 साल की तो सजा है। जा सही बात है। तो फिर वो दुनिया भर के नाटक नाटक है। 10 साल की भला ही सजा ना हो मगर दुनिया भर के नाटक हो जाएंगे। बैठना पड़ेगा जी। एसटीआर घोषित कर दिया ना 2001 में। और यहाँ पे तो बिना अगर क्या कहते मतलब जैसे पर्ची कटा है घूमना भी इनलीगल हो जाएगा। जैसे कोई आ जाता है बाई चांस कहीं से घुस मुस के घूम के लेने के लिए अगर पकड़ा गया बाई चांस तो। है भाई अधिकारी वर्ग का जो ऑफिसर है जी से पूछेगा कितने समय तक आप क्या कर रहे हो। सही बात है भैया। अंकल जी बता रहे हैं भालू खोद रहा है गड्ढे पचमढ़ी के जंगल में। ये भालू ने करा है। दीमक खाता है। दीमक खाता है जो भालू। और भी अगर शॉट भी यार बहुत है मतलब भालू बहुत भालू ब्लैक वाले पेंडा पेंडा बोलते हैं इंग्लिश में। क्या अलग होता है पेंडा? पेंडा अलग होता है। हमारे गाइड साहब भाई गाइड करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से और ब्लॉक काफ़ी लंबा हो जाएगा ये क्योंकि अभी 6 घंटे हमारे पास घूमने के लिए और ये हर पार्ट में पर डे में डलेगा वीडियो। पर डे में एक दिन में 2 ब्लॉक डे एंड नाइट। ये व्यू चेक करो भाई ऐसा लग रहा भाई बादलों के ऊपर हो पूरा पानी। भाई ब्लॉग में जूम कर ही करना। ये देखो हम लोग ज़मीन से बादलों पर आ गए भाई सीधे। भाई गीत गर्दन घाट ये चेक करो पहाड़ी भाई स्वर्ग लोग बोलते हैं ना स्वर्ग में आ गए वैसा सीन लग रहा है बिल्कुल। ओस ही ओस पूरे में। देखो सर यहाँ से ना वो रेलिंग पे चले जाओ। वहाँ पे चले हाँ वो वहाँ पर रेलिंग पे रजत मीन्स होता है सिल्वर सिल्वर। ये पचमढ़ी का बीच वाटरफॉल है 350 फीट की हाइट से गिरता है। 350 फीट की हाइट से आदिवासी लोग इसको धुआंधार के नाम से जाना जानते थे जी। सर अंग्रेज लोग आए उन्होंने इंग्लिश में नाम रख दिया इसका रजत प्रपात। रजत प्रपात है ना। हिंदी में इसका नाम सिल्वर फॉल रख दिया। हिंदी में 50 फीट की हाइट से गिरता है। वहाँ से फोटोग्राफी करके वापस भी आई जी। चलिए आइए जैकेट उतार के आइए। गाइस अपन ने जैकेट उतार दी क्योंकि गर्मी लगने लगी पैदल चल चल के। भाई ये वाटरफॉल 12 महीने गिरता है भाई। चेक करो वो देखो पानी गिर रहा है। दीदी कुछ बता रही हैं होते जाता है इस तरह से फॉल बनाता है। बारह महीने वाला फॉल है ये और जब बारिश होती है तो इसका फ्लो बढ़ जाता है। अभी आपको बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि फेंसिंग का गैप काफी ज्यादा ज्यादा है। इकराम भाई की स्पीड बढ़ गई। भैया ये पानी देख रहे थे अपन नीचे यहाँ से उधर के कि ये पानी गिर के जाता कहाँ है और ये यहाँ से गिर के जाने के चक्कर में हमारा पानी निकल रहा है। देखो माथे से आगे जाके देखो आगे जाके देखा। भैया ये वाला पानी देखना देखो आवाज़ आ रही होगी तो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही देख कैमरा से दिखाएंगे। इस पानी को देखने के लिए अपन नीचे तक गए थे और नीचे से ऊपर आने में हमारी हालत ख़राब हो गई। मोबाइल पास तो नहीं है नहीं दिख रहा भाई। वो चढ़क चढ़ के आए वहाँ से पहाड़ से देखो एक पहाड़ से इधर आ रहा है। हाँ तो भैया पहले मुँह धोएंगे क्योंकि हमारा भी पानी निकल गया। हम जो वाला पानी देखने नीचे गए थे जैसा कि आप लोग देख रहे हो शुरू से स्टार्टिंग से ही
स्टार्टिंग से यही चीज़ देख रहे हैं कि पानी जाता कहाँ है वो देखना था हमें, तो ये पानी नीचे गिर के जाता है झरने से, बहुत प्यारा नज़ारा है वो। और हम यहाँ से आगे मुँह हाथ धो के बाहर निकलेंगे, गाड़ी तक जाना है अभी फोटो खींचते हुए और वीडियो अपन चेंज कर दिया। अरे मोबाइल चेंज कर दिया, मैंने भूल ही गया भाई का महीना में मतलब दिखा दी, बहुत ही शानदार जगह। हाँ वाटरफॉल की आवाज़ ही आ रही होगी, बस यहाँ से दिख तो नहीं रहा होगा सही से, वो 12 महीने इसी तरीके से बहता रहता है। और यहाँ से चेक करो पहाड़ी का सीन कितना प्यारा लगा, ये पचमढ़ी भाई इधर से अगर ऐसा गया ना फोटो में दिख रही भाई हेड दो, पूरी पहाड़ी प्यारी से दिखेगी। और ऐसा लग रहा है अभी वहाँ पे ओस है, अभी ओस है वहाँ पे। कैसी भैया अंकल जी ने हमें बोर्ड अच्छे से गाइड करा, वो खड़े हुए अभी फोटो वगैरह ले लें एक दो और जल्दी से फिर चलेंगे अपन। और यहाँ से हम लोगों ने भाई बहुत कर्रा वाला व्यू लिया, यहाँ पे फैमिली खड़ी थी इसलिए वीडियो नहीं बना था सही से। ये चेक करो गाइस, ये हैगा नीचे का नज़ारा, नीचे ज़्यादा पास नहीं आऊँगा भाई, मेरे को डर लगता है। और वाटरफॉल चेक करो भाई, धूप में आप देखो कितना प्यारा दिख रहा है। और ये देखो भाई, चलो भाई भैया हम लोग इस रास्ते से आए थे, अंकल जी अब हमें इस रास्ते से रिपीट ले आ रहे हैं अप्सरा वाटरफॉल के नाम से, यहाँ पे अप्सरा बिहार पचमढ़ी। भाई पहाड़ इनको बोलते हैं रियल वाले, नीचे होते तो दिक्कत नहीं थी भाई, हम तो टॉप पे हैं वाले पहाड़ के, मगर भाई फिर भी यहाँ से बहुत नीचे दिख रहा है वो। और हमारे गाइड साहब आगे आगे चलते हुए सबके, इकराम भाई बेचारे अपनी जर्किन का बोझ लेकर और हम भी चल रहे हैं। भाई बिल्कुल कश्मीर में जैसे बर्फ गिरती ना वैसा लग रहा है यहाँ से देख के, जैसे बर्फ गिर रही हो। भैया अंकल जी के साथ साथ अपन यहाँ पे उतरे और हम वो पानी के नज़दीक जा रहे हैं जैसे हमने पहाड़ी के 300 फीट के ऊपर से देखा था आवाज़ नज़दीक आती हरी धीरे धीरे मतलब। ये देखो ये पहाड़ी उतरते हुए नहाने नहीं जा रहे अपन, सिर्फ देखने जा रहे हैं। पर ये कूदने में जो मज़ा आता है ना उतरने के लिए, वो किसी चीज़ में नहीं आता। ये कूद कूद के उतरने में जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता है काम भाई, बस स्लिप ना हो जब तक। यहाँ आपको पानी में जाना नहीं है, पानी छूना नहीं है जी, ठीक है। ये है अप्सरा विहार, अप्सरा विहार इसी पानी से बना आपका अप्सरा विहार, इसी पानी से बना आपका सिल्वर फॉल। अप्सरा विहार इनको इसलिए कहा गया है कि ब्रिटिश समय में जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे उनकी जो मैम हुआ करती थी वो इस कुंड में नहाया करती थी। अच्छा, तो आदिवासी लोग उन्हें देखा करते थे तो वो उनका गोरा बदन देख के उनको अप्सराएं समझ बैठे थे, इसलिए इस जगह का नाम अप्सरा विहार रखा गया। यहाँ पर क्या अशोका मूवी पिक्चर की शूटिंग हुई है 2001 में, 2001 में, ठीक है। वाटरफॉल की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है जी, 15 से 30 फीट है, 15 से 30 फीट है। पानी में जाना नहीं सर आप? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख कर फोटोग्राफी जी जी बिल्कुल वापस बैक होकर आ रहे हैं, जल्दी से वीडियो बनाओ भाई। ऊपर से उतर गया अपन ये इसकी वाटरफॉल जगह जगह यहाँ पे, नीचे जाना बना है बस। अप्सरा कुंड पानी को छूना मना यहाँ पे और इसके अंदर जाना भाई, फोटो खींचो ना यहाँ से भाई। ये अपने भोपाल की फीलिंग दे रहा है बिल्कुल, जो वहाँ पे गड्ढा है ना ऐसे ही वाटरफॉल है जिसमें हर साल मरते हैं लोग 2-3।
बिल्कुल वैसे ही लग रहा भाई, यहाँ पर पानी को छूना भी मना है और जाना भी। जाएंगे नीचे जाके दिखाते हैं ये, बाकी फॉरेस्ट वालों ने अच्छा सा बना दिए जैसा कि अंकल ने बताया। यहाँ पे जो राजा था वो उसकी रानी यहाँ पे नहाती थी और आदिवासी लोग उनको देखा करते थे। हम बन नहीं देखते भाई, बस पानी को छूना मना है, होकर आते नीचे से। भाई यहाँ पे बहुत भीड़ लग रहा है, भीड़ी जगह है, मगर ये पानी जा कहाँ से रही है अभी? नाले की तरह। ये वही वाला पहाड़ है यहाँ पे जो बड़ा वाला देखा था, वही ये वाला पानी ये जा रही है, धीरे धीरे वहाँ पे जाके और बड़ा हो जाएगा। और हमारे एक राम भाई नीचे आया दिल्ली से, ये देखो वाटरफॉल भाई, ये शांत पानी दिख रहा है ना झरने से घूमने के बाद भी। ये वही चीज़ है जो हमारे भोपाल में है, मतलब जितनी ज़्यादा पास जाओगे उतनी ज़्यादा मौत का खतरा है यहाँ पे। मुझे तो इस पर भी चलने पर डर लग रही है। गाइस उतरने में बहुत मजा आ रही है था हम लोगों को, चलने में हालत खराब हो गई। और ये देखो अंकल ने, अब देखो पानी के डायरेक्ट झरने पे ले आ रहा है हमें। देखो ये पांचाली कुंड, ये पांचाली कुंड, ये छोटी छोटी जो पांच धाराएं पांच कुंड में गिर रही है, इसी के आधार पे जगह का नाम जो है पांचाली कुंड। अच्छा अच्छा, पांचाली के इस जगह का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ नाम रखा है पंचाली कुंड, लेना देना कुछ नहीं है, बस इसका नाम रखा गया। अंकल जी बता रहे हैं पानी है और नाम चल रहा है, बस जगह का नाम दे दिया गया है और पानी है और कुछ नहीं है उसके अंदर भाई। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ट्रेकिंग के हिसाब से आते हैं, आना हो कभी भी तो एंजॉय कर सकते हो आके सुकून से, दो तीन दिन के लिए, अंकल वाले एक दिन के लिए आए थे। एक पॉइंट के लिए भी पर्ची कच्ची नहीं है जी, सब व्यवस्थाएं बना रखी गवर्नमेंट ने। अच्छा ऐसा है, हाँ। भोपाल से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग के मजे ले रहे हैं अपन, लोनावाला पनवेल नाही लद्दाख कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है एमपी वालों को, तो फुल ट्रैकिंग के मजे होते हैं यहाँ पे। बस कैंप नहीं लगा सकते यहाँ पे कहीं, क्योंकि पूरा पेवर जंगल है, कभी भी जंगली जानवर आएंगे यहाँ। यहाँ से अंकल जी लेके गए थे घुमाने के लिए और यहाँ से रिटर्न आए राउंड सर्कल लेकर हम लोग पूरा, सिर्फ अभी अप्सरा बिहार घूम कर आए। लास्ट ईयर खबर पहुँच गए, अप्सरा को घूमने में इतना टाइम लग गया। यहाँ पे वाला ब्लॉक खत्म करेंगे, दूसरा वाला बनाएंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फिर से। ये अप्सरा क्या था अंकल, अप्सरा क्या की? अप्सरा बिहार सिल्वर कांड पांचालिंग थी। और ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कल शाम या शाम पर डल जाएगा वीडियो ब्लॉग जो भी है अगला वाला। हर ब्लॉग का मतलब जो टाइमिंग है वो 15 से 20 मिनट रहने वाली है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर।